चलिए आज जो हमारा है ना लास्ट सेशन में जहां मैंने छोड़ा था हम उसके आगे चले, उससे पहले हम 5 मिनट देंगे, उन चीजों को रिवाइज करेंगे जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा। हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, बहुत ही छोटा चैप्टर होता है ये, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, इसके ज्यादा कुछ नहीं होता। हमने बात की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज योर सेकंड हेड ऑफ इनकम। अगर हम सारे हेड्स ऑफ इनकम की बात करें तो पहला होता है हाउस सैलरी, सेकंड होता है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है PGBP, फोर्थ होता है कैपिटल गेन, एंड द लास्ट वन इज योर अदर सोर्सेस। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी इनकम का मतलब ये होता है आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, डजंट मीन एट ऑल कि हाउस हेयर ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेस, नॉट एट ऑल। आप इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब वी आर जस्ट कंसिडरिंग ओनली दोज हाउस प्रॉपर्टीज विच आर मीन्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेस फॉर माई सेल्फ और द अदर वन, नॉट एट ऑल। ये किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है अगर इसने सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन की कंडीशंस फुलफिल की। मैं दूसरी बात बता दूं, मैं शायद ज्यादा वॉल्यूम में न चिल्ला पाऊं, वायरल है तो जाहिर सी बात है ज्यादा मैं एनर्जी भी नहीं यूज कर पाऊंगा, तो लेकिन आप लोग थोड़ा केयरफुली सुनेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बाबू? नहीं बाबू, आप लोग इसकी चिंता न करें, हमको ये वायरल साल भर चलता है, ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। हमारी ये जो एलर्जी की प्रॉब्लम है बाई बर्थ है, तो हर तीसरे चौथे दिन आप हमको ये तीन तीन, ये जो हैंकी नंबर वन, हैंकी नंबर टू, एक हैंकी पॉकेट में भी होगा, एक हैंकी नंबर थ्री, ये सब आप बहुत पाएंगे, मेरे पास पूरा डब्बा भरा रहता है घर पे, ठीक है ना। तो उसकी चिंता नहीं करनी, हाँ तो हम हैबिचुअल है इस चीज के, लेकिन हम ज्यादा चिल्ला नहीं पाएंगे, बस इस चीज को थोड़ा सा केयर करिएगा। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 22, ये क्या कहता है कि अगर इस सेक्शन की सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस के लिए हो, माइंड इट, प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस के लिए हो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। जरा देखते हैं, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड पर्टिनेंट देयर टू ऑफ विच The assessee is the owner shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section 24. That's it. This is the so simple charging section जो ये कहता है कि अगर कोई property हमारी, अगर कोई property उसकी annual value, यानी यहाँ पर income या gain नहीं लिखा गया, income या profit नहीं लिखा गया, any profit और gain नहीं लिखा गया, बशर्ते यहाँ लिखा गया annual value shall be charged to tax. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल वैल्यू हियर। तो एनुअल वैल्यू इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 23, ये भी हमने लास्ट सेशन बता दिया था, मैं फिर से 2 मिनट दूंगा इस पर। तो एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में शामिल है कोई भी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग और उससे लगी हुई जमीन, तो बिल्डिंग फर्स्ट है और उससे लगी हुई जमीन सेकेंडरी है। ऑफ विच एसेसी इज द ओनर, इट मीन्स इफ आई एम जस्ट कंसिडरिंग माई सेल्फ आई शुड पजेस एनी प्रॉपर्टी विच इज अंडर माई कंट्रोल, वो मेरे पोजिशन में होनी चाहिए, एवन दो आई एम नॉट द एक्चुअल ओनर, आई एम नॉट द रजिस्टर्ड ओनर, हेयर द ओनर इंक्लूड्स द डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनर को भी इंक्लूड करता है, ये डीम्ड ओनर को भी इंक्लूड करता है। तो डजंट मीन एट ऑल कि मैं एक्चुअल ओनर हूं, रजिस्टर्ड ओनर हूं, तभी ना ना ना, इफ आई फॉल अंडर द सेक्शन 27 जो डीम्ड ओनर के बारे में बताया गया है, तो भी मेरे पास उसकी टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी में होगी। नाउ आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू ऑफ व्हिच एसेसी इज द ओनर शैल बी चार्ज्ड टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, दैट्स इट। अच्छा सर, इसमें कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, देखिए ना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, लेट आउट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन हो सकती है, ऑडिटोरियम भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए जो होते हैं आर्ट क्लब्स वगैरह वो भी शामिल हैं इसमें। ओके, लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग इज इमेटेरियल, यानी वो बिल्डिंग चाहे इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी देन दैट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, यस और नो? तो अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली हमेशा पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये दो लाइनें
आपके कई कई सारे डाउट्स दूर करती है। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं सेक्शन 27। मैंने आप कुछ, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, दैट इज ओके। प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया में है। प्रॉपर्टी का यूज क्या है, दैट इज अगेन इमेटीरियल थिंग, हां या ना। लोकेशन क्या है प्रॉपर्टी का यूज, चाहे बिजनेस के लिए हो, किराए के लिए हो, अपने लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिटोरियम हो, स्विमिंग पूल हो, क्लब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? सेक्शन 27 डीम्ड ओनर को बताया गया। पहला मैंने बताया, अगर कोई स्पाउस, अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, तो उस हाउस प्रॉपर्टी से जो स्पाउस को इनकम अराइज होगी, दैट शैल बी चार्ज टू हैंड इन अंडर द हैंड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर एंड नॉट द ट्रांसफरी। मैंने अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बिना मैटेरियल, बिना एडेक्वेट कंसिडरेशन के, फ्री में या बहुत कम दाम में, तो उस केस में मेरी वाइफ को अब जो भी इनकम अराइज होगी उस प्रॉपर्टी पर, वो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। भले ही वो इनकम उसके बैंक अकाउंट में जाएगी, बट शैल बी चार्ज टू टैक्स इन माय हैंड्स। इज इट क्लियर? लेकिन अगर कोई बंदा, वैसा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उल्टा सीधा, अगर कोई बंदा अपनी वाइफ के साथ अलग रहने का कोई एग्रीमेंट कर लेता है, तो उस केस में दो, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है अलग रहने के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो वहां पर दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग मानी जाएंगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ, विद एडेक्वेट कंसिडरेशन के साथ, देन ऑल्सो इट शैल बी ट्रीटेड सेपरेटली। Is it clear? बाबू, आप जब क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं सेक्शन 64 आपको पढ़ाऊंगा, जो आपने क्वेश्चन रेज किया। किसने बोला है, मोनिका ने बोला है, वैष्णवी ने बोला है? तो बाबू, आपका ये जो क्वेश्चन आएगा ना सेक्शन 64, उस समय मैं कहूंगा, देखो बेटा इसमें ना शामिल नहीं है वो प्रॉपर्टी जो हम सेक्शन 27 में डिस्कस कर चुके हैं। वहां मैं बताऊंगा सेक्शन 64 और सेक्शन 27 में कभी क्लैश नहीं होगा। जहां 27 बात कर रहा है उस मामले पर सेक्शन 64 बिल्कुल चुप हो जाता है, वो कोई बात नहीं करता। तो ध्यान से उसको अगर आप पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया, यस आ जाएगा कि हाँ वो अलग है ये अलग है। इज इट क्लियर? हाँ, वो सेक्शन लगता है, नहीं एक जगह नहीं, दोनों चीजों के लिए सिस्टम अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर नहीं मिल रहा तो चलो वहां पर क्लबिंग कर देंगे, ना 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 ना। अगर प्रॉपर्टी का मामला है और अगर इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो वो केवल और केवल सेक्शन 27 ही कवर करेगा, ना कि सेक्शन 64। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में कहीं बैठा ले। हाँ चलिए, अगर कोई इम्पार्टेबल स्टेट है, अगर कोई इम्पार्टेबल स्टेट है, इम्पार्टेबल स्टेट का मतलब होता है किसी रूलर वगैरह के हाथ में कोई प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा नवाब था, महाराजा था, साम्राज्य था उसके पास, एक पूरा स्टेट था। अब आजादी के बाद से उन स्टेट्स को गवर्नमेंट ने आपस में मर्ज कर दिया और राजाओं को कहा कि तुम रूलर थे, अब तुम्हारी रूलरशिप खत्म हो गई बेटा, किनारे हो जाओ, तुम लोग के लिए अब हम कानून पास करते हैं मर्ज होने का इंडिया में, अब आप अपनी कोई एक प्रॉपर्टी अपने पास रखो। तो उस राजा ने कहा हम तो भैया ये प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे। अब उस प्रॉपर्टी के अंदर सैकड़ों मकान बने हुए हैं, पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। कहा गया उस पूरे पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज का एक इकलौता बंदा वही टैक्स देगा जो उसका होल्डर होगा, यानी उन सारी प्रॉपर्टीज का, उस स्टेट के अंदर आने वाली सारी प्रॉपर्टीज का टैक्स कौन देगा, वो होल्डर जो उनको संभाल रहा होगा। इज इट क्लियर? और इंडिविजुअल वर्ड मैंने यहां पर अंडरलाइन भी किया था, आपको समझाया था। थर्ड, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई कंपनी है, और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी में मेंबरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी में शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट आपको कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, तो वो भी मान लिया जाएगा कि हाँ आपके पास ही प्रॉपर्टी है। याद आया होगा मैंने इस पर आपको स्टोरी भी बताई थी। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत, इफ यू पजेस एनी प्रॉपर्टी, इफ एनी प्रॉपर्टी इज अंडर योर काइंड कंट्रोल, देन यू शैल बी ट्रीटेड एज द ओनर, एवन दो यू आर नॉट द एक्चुअल ओनर, बट यू विल बी डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी बिकॉज द प्रॉपर्टी इज अंडर योर कंट्रोल। यस और नो?
चल बहुत बढ़िया। इसके बाद वापस आते हैं हम लोग 23 ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जरा देखिए सेक्शन 23 कहता है कि एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। सर हमको ना जब हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, हमको ये फॉर्मेट बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। फर्स्ट वी आर नीडेड टू कैलकुलेट जीएवी। हमको क्या कैलकुलेट करना है? जीएवी। जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स जो आप गवर्नमेंट को पे ऑफ करते हैं, दैट शैल बी डिडक्टेड ओवर हियर। एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर एंड पेड बाय द ओनर इटसेल्फ, दैट्स इट। ये एक लाइन याद रखनी है, पेड बाय ओनर नॉट बाय द टेनेंट, एज वेल एज इट इज डिडक्टेड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। इतना माइनस कर दे। सर 10 साल का हम इस साल पेमेंट कर दे, माइनस होगा क्या? हाँ भाई, पेमेंट बेसिस पर माइनस होना है। 10 साल आपने म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं किया, डू नॉट वरी अबाउट दैट। राइट नाउ यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ ऑल दोस 10 इयर्स म्यूनिसिपल टैक्सेस, यस यू विल गेट 100% डिडक्शन ऑफ दोस एक्सपेंसेस, यस और नो? अच्छा, जो आएगा ना इसको हम एनएवी का नाम देंगे, नेट एसेट वैल्यू, सॉरी नेट एनुअल वैल्यू। म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू होता है, इसमें हमारा नेट एनुअल वैल्यू होगा। ओके, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिडक्शंस व्हिच वी कैन गेट अंडर दिस हेड ऑफ इनकम। हमको दो डिडक्शंस मिलती हैं इस हेड ऑफ इनकम में। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन व्हिच इज क्लियरली एंड वेरी प्लेन, दैट इज 30% ऑफ एनएवी। इसका सीधे सीधे 30% आप कैलकुलेट कर लो, दिस इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाउ द सेकेंड एंड द इम्पोर्टेंट डिडक्शन इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बारे में पूरा सेशन चलने वाला है, टेंशन लेने का नहीं। जो भी बचेगा वो होगा टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दैट इज वेरी इजी टू कॉम्प्यूट योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस इतनी सी चीजें याद रख लो, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज डन डन डन। लेकिन सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये सेक्शन 23 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये सेक्शन 23 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। मैंने आपको डिटेल बता दिया था, दो मिनट जरा ढंग से सुने। आप सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का कंपैरिजन करते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का कंपैरिजन करते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का कंपैरिजन करते हैं, जो दोनों में हाई होगा वो कहलाएगा फेयर रेंट नंबर वन। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पिक किया फेयर रेंट नंबर वन जो ये निकला, और उसका कंपैरिजन किया आपने स्टैंडर्ड रेंट से। अच्छा, जो दोनों में से लोअर होगा ना वो कहलाएगा फेयर रेंट नंबर टू। अच्छा सर, फेयर रेंट नंबर टू को आप पिक करिए और उसका कंपैरिजन आप करिए एक्चुअल रेंट से। अगर मैं समझता हूं कि आपने लास्ट सेशन किया, तो मैंने यहां पर एक वर्ड लिखवाया था, बता सकते हैं मैंने क्या लिखवाया था? मैंने कहा था डज नॉट इंक्लूड। बहुत बढ़िया बाबू, डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट। ये अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। मान लेते हैं दो मिनट के लिए फेयर रेंट आपका आ गया 1 लाख और एक्चुअल रेंट आ गया 1,50,000। गवर्नमेंट कहती है मेरे हिसाब से ना 1,00,000 रुपए पर आपको टैक्स देना चाहिए। आप खुद चीख चीख कर गवर्नमेंट को कर रहे, नहीं भैया हमने तो 1,50,000 कमाया, एक्चुअली वी अर्न रुपीज 1,50,000। देन एट व्हाट वैल्यू यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स? 150 ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप खुद चीख चीख कर रहे हो गवर्नमेंट को हमने तो 1,50,000 कमाया। तो गवर्नमेंट कहती है दे दे ना, तब सोचता क्या है? प्रॉब्लम तो उस समय आती है ना जब एक्चुअल रेंट इज लोअर देन फेयर रेंट नंबर टू। Now, no any problem is there if actual rent is higher than fair rent number 2. Then gross annual value is actual rent. That is so easy. ये तो आपने ही बता दिया। इसमें क्या है? कहा कि actual rent कम है। अब government को मैंने कहा देख भाई actual rent मेरा है 1,00,000 और तेरे हिसाब से fair rent है 1,20,000। government कहा हाँ हाँ तो दे दो हमको 1,20,000 पर। मैंने कहा चुप रहो। गवर्नमेंट को मैंने कहा चुप रहो, मुझे भी तो बोलने का मौका दो, मुझे भी तो अपनी सफाई में कहने का मौका दो कि ये एक्चुअल रेंट कम क्यों है, पूछो तो सही। तो गवर्नमेंट ने कहा बताओ। मैंने कहा देखो भाई, हमारे घर पे ताला लगा हुआ था 4 महीने तक। कितने महीने तक?
चार महीने तक ताला लगा था, कोई उस घर में था नहीं, बेसिकली ये जो किराया है ना कितने महीने का है? 8 महीने का है। अगर ये 12 महीने का होता तो ये 1,50,000 होता ना, हाँ या ना? तब तो आप चिल्ला चिल्ला कर हमसे कहते 1,50 पर टैक्स दो। हम वो भी अभी भी तो कह रहे हैं आपसे, हम कह तो रहे हैं 1,50 के बराबर है, लेकिन जब ताला ही 4 महीने तक लगा रहा तो हम आपको टैक्स कहां से दे दे? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि ये 4 महीना आपका वैकेंसी के कारण खाली था और जो आपके पास किराया है वो केवल 7 महीने 8 महीने या 9 महीने का है, यानी कि अगर आप ये बताते हैं ड्यू टू वैकेंसी के कारण ये एक्चुअल रेंट कमाया, तो गवर्नमेंट कहती है बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं, आप तो बड़े सीधे साधे आदमी हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज एक्चुअल रेंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में। लेकिन अगर आप ये नहीं बता पाते कि ये 10 महीने का है या 12 महीने का, तब तो गवर्नमेंट मानेगी ना ये भी 12 महीने का और ये भी 12 महीने का। तो अब बताओ गवर्नमेंट किस पर टैक्स लेगी, सच सच बताना। तो इन एनी अदर रीजन, अब कौन सा रीजन था, आपने पड़ोसी को घर दे दिया, आपने रिलेटिव को घर दे दिया, आपने किसी और का, उससे क्या लेना देना? दिस इज योर आंसर, गॉट इट और नॉट? अच्छा, यहां मैंने बताया था एक्चुअल रेंट डजंट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट, तो आपको याद होगा मैंने इसमें रूल 4 की 4 कंडीशंस बताई थी। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है वैकेंसी और अनरियलाइज्ड में पहले तो फर्क करना समझें। मेरे घर पे ताला बंद है, मुझे किसी से किराया नहीं मिलेगा, दैट इज योर वैकेंसी, इज इट क्लियर? भूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो उस घर में कोई भूत पिशाच रह रहे थे, कहने का मतलब ये है कोई था ही नहीं। अच्छा, जब हम बात करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट की, इट मींस समवन वाज देयर इन द हाउस, समवन वाज रेजाइडिंग इन द हाउस, and now I'm collecting that amount of rent, but the amount of rent is not recoverable. Got it or not? दोनों में फर्क समझ में आया या नहीं? हमारे घर में कोई रह रहा था, हम उससे किराया मांगने गए, उसने ठेंगा दिखा दिया, ये कहलाता है unrealized rent. दूसरा होता है कि हमारे घर पे ताला बंद था, कोई रह नहीं रहा था, तो किराया हमें नहीं मिलेगा, that is known as vacancy allowances या vacancy. Is it clear? तो कहा गया unrealized rent कब माना जाएगा unrealized rent है? There are 4 conditions which are mentioned under rule 4. If all those four conditions are satisfied, then it would be treated as unrealized rent. Now the number 1 condition is tenancy was bona fide. Second condition is tenant has vacated all the properties relating to the same SSE. अगर मैंने अपने किराएदार को 3 प्रॉपर्टीज किराए पर दी हुई है, 2 का किराया वो ठीक ठाक देता है, तीसरे का वो बंदूक तान देता है, मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये 2 का किराया तो वो ठीक ठाक देता है लेकिन तीसरे का किराया नहीं देता, बंदूक दिखाता है, गवर्नमेंट ने कहा मुझे इससे मतलब नहीं है, उससे तो पहले प्रॉपर्टी खाली करवाओ, क्योंकि तुम्हारा ये रोना हम कितने दिनों तक सुनेंगे, आज तो सुना दिया कल मत सुनाना। अगर आपको बेनिफिट चाहिए अनरियलाइज्ड रेंट का, फर्स्ट ऑफ ऑल उस किराएदार को निकाल बाहर करो। तो सेकंड कंडीशन ये है टेनेंट हैज ब्रैकेटेड नॉट ओनली दैट प्रॉपर्टीज इन विच द अनरियलाइज्ड रेंट इज ड्यू बट ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर बिलोंगिंग टू मी। अगर उसने मेरी 3 प्रॉपर्टीज पर किराए पर ले रखी है, नाउ ही हैज टू ब्रैकेट ऑल द 3 प्रॉपर्टीज, गॉट इट और नॉट? अच्छा, तीसरा कंडीशन है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक बात बताओ, आप तो कहते हो टेनेंसी वाज बोना फाइड, टेनेंट हैज वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज, अरे आपने अपनी जिम्मेदारी पर क्या किया? आपने अपना किराया वसूलने के लिए कुछ जतन किया, एफर्ट किया, नहीं किया? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई FIR लिखवाओ, लीगल स्टेप उठवाओ, कानूनी सलाह लो और उसके पास नोटिस भेजवाओ। बात समझ में आई? मैंने कहा हाँ, तो मैंने उसके यहाँ नोटिस भेजवाई और मैंने गवर्नमेंट को कहा कि वो इतना लतखोर है, उसको लात मारो, घूसा मारो, कुछ नहीं होने वाला, उससे पैसा रिकवर होने वाला नहीं है।
तो हमें चौथी कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी. द फर्स्ट वन, टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, टेनेंट हैज वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड ऑल द लीगल स्टेप्स हैज बीन टेकन अगेंस्ट द टेनेंट. एंड द लास्ट वन कंडीशन, इफ द एसएससी हैज प्रूव्ड, इफ द एसएससी हैज सेटिस्फाइड द एओ. कैसे सेटिस्फाइड होगा एओ? अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो जमाने लद गए जब एओ से इंट्रैक्शन होता था और इससे सेटिस्फेक्शन होता था, वो जमाना गया, अब ऑनलाइन ही काम होता है. इफ द एसएससी और इफ द एसएससी मेड सेटिस्फाइड टू द एओ दैट ऑल द एफर्ट्स, इफ ऑल द एफर्ट्स विल बी फ्रूटलेस टू रिकवर द अनरियलाइज्ड रेंट, नो एनी रिजल्ट वुड बी देयर. क्योंकि टेनेंट को कितना भी मार लो, वो पैसा देने वालों में से नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा. इफ ऑल दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन यस, नॉन रिकवर्ड अमाउंट शैल बी ट्रीटेड अनरियलाइज्ड रेंट एंड यस दिस अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ द एक्चुअल रेंट. माइंड इट, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि ये है 10 महीने का किराया मेरा 1,20,000. गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, 2 महीने का कहां गया. मैंने कहा ये अनरियलाइज्ड रेंट है. तो गवर्नमेंट ने कहा कि बात बताओ, अनरियलाइज्ड रेंट है, ये कंडीशन चारों पूरी हुई. मैंने कहा कि किराएदार को मैंने नहीं हटाया है, वो अभी भी मेरे पास है, तो क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा. गवर्नमेंट कहेगी नहीं, किराएदार अगर अभी भी आपके पास है पहले तो इसको जोड़ो. हम कैसे मान लें ये अनरियलाइज्ड रेंट है? आपस में आप लोगों ने सेटिंग बैठा ली, हमको बेवकूफ समझा है क्या? हाँ मत बोल देना, हमको बेवकूफ समझा है क्या? तो 1,44,000 पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी. चलिए, मैंने फर्स्ट कंडीशन भी पूरी कर दी, टेनेंसी वॉज बोनाफाइड एंड टेनेंट हैड वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज. तीसरी कंडीशन, मैंने कोई लीगल स्टेप नहीं उठाए, तो गवर्नमेंट हमको इसका डिडक्शन दे देगी क्या मेरे बोलने से? नहीं. आपने अगर लीगल स्टेप भी नहीं उठाया, देन एवन देन इट विल बी एडेड एंड द टोटल एक्चुअल रेंट शैल बी ट्रीटेड, एक्चुअल रेंट शैल बी ट्रीटेड 1,44,000 एवन दो यू हैव रिकवर्ड ओनली रुपीज 1,20,000. चलिए, अब मैंने तीनों कंडीशन पूरी कर दी. पहली कंडीशन, टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, टेनेंट हैज वैकेटेड एंड ऑल द लीगल स्टेप हैज बीन टेकन. द फोर्थ कंडीशन, मैं एओ को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि भैया इसको अगर हम मारेंगे, मतलब लीगल स्टेप उठाए हैं, तो ये हमें पैसा दे देगा. हम वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाए. एओ कहता है भैया वो सरकारी आदमी है, क्यों नहीं पैसा देगा? अरे वो बिजनेसमैन आदमी है, क्यों नहीं पैसा देगा? तुमने रिकवर करने की कोशिश नहीं की, तुम हमें बता नहीं पा रहे हो कि क्यों नहीं रिकवर हुआ. देन एवन देन इट विल बी एडेड इन योर टोटल अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट दैट वुड बी शेल पार्ट ऑफ दैट द अमाउंट ऑफ रुपीज 24,000 शेल फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल एक्चुअल रेंट. वो भले ही आपको नहीं मिला, लेकिन वो एक्चुअल रेंट में शामिल होगा. ध्यान से सुने, आपको नहीं मिला तो भी एक्चुअल रेंट में शामिल होगा. कंफ्यूज ना होंगे वर्ड से, दैट्स इट. चलिए सर, ये तो हम लोग को आपने लास्ट टाइम बता दिया था. जिनको नहीं मालूम था उनका भी रिवीजन हो गया होगा, और कुछ लोग को जिनको मालूम था उनको भी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा. अब कुछ कहानियां सुन लेते हैं. ये मेरा हाउस नंबर 1. अच्छा, हाउस नंबर 1 किसके लिए यूज होता है सर? रेजिडेंशियल पर्पजेस. और किस कौन रहेगा इस घर में? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. इसको हम नाम देते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड. ये घर मैंने अपने लिए रखा हुआ है. किसके लिए रखा हुआ है? ये जो मैं रह रहा हूं ना, यहाँ जहां मैं रह रहा हूं ना, ये मेरे लिए घर है. तो क्या सरकार कहेगी कि जिस घर में रहते हो उसका हमें इनकम टैक्स दो एनुअल वैल्यू पर? मैं जाऊं कहाँ? क्या मैं किराएदार बन जाऊं किसी का? क्या एक घर भी मेरे लिए नहीं है क्या? जी, आपके लिए एक घर बना हुआ है. आप एक घर अपने लिए रख सकते हैं. उसका जीएवी हमेशा निल होगा. क्या होगा? जीएवी इस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का हमेशा निल होगा. मेरी बात समझ में आई? इसके लिए हमें सेक्शन 23 में कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नको. माइनस म्यूनिसिपल टैक्स ऑलवेज इट शैल बी टेकन टू बी निल. ये भी हमेशा निल ही लिया जाएगा. एक्चुअल में आपने पेमेंट किया है, एक्चुअल में आपने
पेमेंट किया है म्यूनिसिपल टैक्स का, लेकिन अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, ये निल मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? जो बचेगा ये नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, निल में से निल गया, सन्नाटा ही बचेगा। इसमें से आप माइनस कर दें स्टैंडर्ड डिडक्शन। चलो चलो चलो, निल का 30% कितना आएगा, निल ही आएगा। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। जानते हैं? नहीं जानते। जानते हैं कितना हम डिडक्शन ले सकते हैं, कितना हम डिडक्शन ले सकते हैं? कहा गया 30,000 और रुपीज 2 लाख, 30,000 और रुपीज 2 लाख। आप लोग म्यूट कर ले बाबू अपने आप को। अच्छा, 30,000 और रुपीज 2 लाख। अगर हम 30% लेते हैं तो निल ही आ रहा था, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। चलिए, अच्छा कितना हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर सकते हैं, 30,000 और 2 लाख। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मैं खुद रहता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो अगर इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मुझे डिडक्शन मिलेगा। सोचो, कुछ भी प्लस नहीं हुआ, सीधे एक चीज माइनस हो रही है। कौन सी चीज माइनस हो रही है? इसका मतलब हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो। मैक्सिमम लॉस विल बी रुपीज 30,000 और रुपीज 2 लाख, दोनों में से कोई एक अमाउंट का लॉस आ सकता है। सर 30,000 कब और 2 लाख कब? थोड़ा पेशेंस रखेंगे, वो भी आएगा। अच्छा, अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। अब गवर्नमेंट ने कहा ना यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी फॉर 2 हाउसेस। कितने घरों के लिए? अब अमेंडमेंट है कि भाई अब आपको ये फैसिलिटी एक घर के लिए मिलती थी ना सेल्फ ऑक्यूपाइड, अब आपको 2 घरों के लिए मिलेगा, बस आपको इतना ही। और दोनों घरों का मिलाकर इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 या 2 लाख से अधिक नहीं हो सकता। अगर आपके दिमाग में ये भ्रम आ रहा है कि नाउ वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ रुपीज 4 लाख इन टोटालिटी और 60,000, नॉट एट ऑल। इन टोटालिटी यू कैन बी बेनिफिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 30,000 और रुपीज 2 लाख, दैट्स इट। नाउ इन विच केस रुपीज 30,000 और इन विच केस रुपीज 2 लाख शैल बी कंसीडर्ड, देयर आर सम कंडीशन विच विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। जरा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं हाउस नंबर 2 की। हाँ, नहीं लगेगा, देना चाहते हैं दे दीजिए, गवर्नमेंट मना क्यों करेगी आपको? ऐसे उसने छोड़ दिया है, लेकिन अगर आपको मन करता है नहीं देना चाहिए तो दे दीजिए, मना नहीं करेगी गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हाउस नंबर 2 की बात करते हैं। मैक्सिमम लिमिट, हाँ भाई एक बात बताइए ना, कौन सा ऐसा इंटरेस्ट होता है आज के रेट में आप लोन लेने जाएं? दो नॉर्मली आदमी 25 लाख रुपए का लोन लेता है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, 25-30-40 लाख का 8% के हिसाब से, जरा आप देख लें कितना इंटरेस्ट आएगा। तो नॉर्मली 15 लाख-20 लाख-25 लाख तक के लोगों पर टैक्स लगता ही नहीं है, मतलब उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट माइनस हो जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा घर एक और है, और ये मैं बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा कई सारे सीए या सीएमए या सीएस ऐसे होते हैं जो सीए सीएस सीएमए बनते ही अपने घर में ही स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ या ना, अपने घर में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप अपने घर में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट को मना करना चाहिए कि आप अपने घर में बिजनेस नहीं कर सकते? अगर आपके पास 2 घर हैं, मान लेते हैं ये 2 घर के लिए बेनिफिट है, चलते हैं एक एक करके। एक घर आप अपने लिए रख रहे हैं और दूसरा घर आप बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप मना करेगी गवर्नमेंट? कर सकते हैं ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसका तो पीजीबीपी से कोई लेना देना ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर यूजिंग योर ओन हाउस प्रॉपर्टी फॉर योर बिजनेस और प्रोफेशन,
देन वाई आर यू गोइंग टू ट्रीटिंग दिस हाउस प्रॉपर्टी अंडर दिस हेड? गो एंड ट्रीट इट अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी में भी तो हम लोगों ने सेक्शन 30 देखा है, देखेंगे, अगर नहीं देखा है कई लोगों ने तो देखेंगे भाई। अगर घर मेरे बिजनेस के लिए है तो बिजनेस का घर हो गया ना, उसी में से ही आप छूट लो ना, वहां पर इनकम और एक्सपेंसेस माइनस करो ना। ये हाउस प्रॉपर्टी में आपने क्या खेल कर रखा है? अगर आपका कोई घर है, आप उस घर में अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहे हैं, तो इस हेड से निकालो उस घर को, कहां ले जाओ? पीजीबीपी में। तो उसको इस घर से, यहां से तो हटाओ भाई, यहां से हटाओ, इसका हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए, आपके पास एक और घर है, ये हाउस नंबर 3 है। आपने ये लेट आउट किया हुआ है, क्या किया हुआ है जी? किराए पर दिया हुआ है, तो लेट आउट किया हुआ है, तो आपको मालूम है जीएवी कैसे निकलता है सेक्शन 23 के हिसाब से, हाँ या ना? ये मैंने आज बताया नहीं, ये सेक्शन 23 तो बताया ये। अच्छा, जो भी आएगा वो यहां आप रख देंगे, माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स, कितना? जितना एक्चुअल पेड होगा और पेड बाय ओनर, जो आया ये कहलाएगा एनएपी। इसमें से माइनस करेंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना? माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जानते हैं मैक्सिमम कितना? नो लिमिट, ग्रेट, कोई लिमिट नहीं है, जितना एक्चुअल इंटरेस्ट है ना, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, कितना माइनस कर दो माइनस, जो बचेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या लॉस होगा। एग्री और नॉट? बस ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत है? मेरे पास ना एक और घर है, और ये घर हमने वैकेंट रखा है, नहीं रख सकते अपना घर, ताला नहीं लगा सकते, तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी क्या इस पर? ले लेगी जी, इसको हम कहेंगे डीम्ड लेट आउट। ओके ओके, आपने साल भर ये मकान क्यों नहीं दिया किराए पर? का कर रहे थे आप इस घर को अपने पास रख के? लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं और आपको मिला है तो आप दूसरों को किराए पर भी नहीं दे रहे, ताला लगा रखा है, गवर्नमेंट ने कहा हम इसको मान लेंगे डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओ। ठीक है, डीएलओ, एक होता है एलओ, ये होता है एलओ, और ये होता है एसओपी, और ये होता है डीएलओ, डीम्ड लेट आउट। और डीम्ड लेट आउट को वो सारे फायदे मिलते हैं जो एक लेट आउट प्रॉपर्टीज को मिलते हैं। बात समझ में आई? जितना टैक्स बना भाई देना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है मेरे पास एक और घर हो, हाउस नंबर 5। अब तो चूंकि दो घरों पर आपको बेनिफिट मिलता है एसओपी का, इसमें हम 10 महीने तक सेल्फ रह रहे थे और 2 महीने हमने इसमें लेट आउट किया। इसकी जो एनुअल वैल्यू आ रही है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो आ रही है 5 लाख की। कितनी आ रही है? और जो पहला वाला घर था ना, जिसमें हम एक्चुअल में साल भर रहे, इसको अगर हम किराए पर देते तो इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती 3 लाख। गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, एक ऑप्शन तो हम तुम्हें दे रहे हैं, ये वाला जो एजम्पशन है ना, सबसे लास्ट वाला, ये वाला, ये हम भूल जा रहे हैं कि मैंने आपको पढ़ाया, ये हम भूल जा रहे हैं कि यू नाउ यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी फॉर 2 हाउसेस, आई एम जस्ट गोइंग टू फॉरगेट इट। तो हम भूल जा रहे हैं, मान लेते हैं एक घर के लिए बेनिफिट है।
अब गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई आप दो घरों में रह रहे हो, कभी इधर छलांग मार करके आ रहे हो, कभी दूसरे घर में छलांग मार करके जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक बेनिफिट देते हैं, आप किसी एक घर को अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते हो। मैंने क्या बोला, आप किसी एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर सकते हो। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी प्रॉपर्टी को आपको डीम्ड लेट आउट मानना पड़ेगा। तो अगर आपके पास दो घर है और दोनों घरों में आप रह रहे हो, इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख, इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5 लाख, बताओ हम किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, 5 लाख वाले को या 3 लाख वाले को? 5 लाख वाले को। बिल्कुल दिमाग से ये बात निकाल दो, घटिया जवाब था, क्योंकि अगर एक दिन भी किराए पर मकान कोई उठा रह जाता है, मेरी बात ढंग से समझे, अगर कोई मकान साल में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव रिकवर्ड सम अमाउंट और यू हैव लेट देम आउट फॉर एनी पर्पसेस, आपने अपने घर को एक दिन के लिए भी अगर किराए पर उठा लिया, तो आप लाख कोशिश कर लो कि अब वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उस साल के लिए ट्रीट होगा, नहीं हो सकता। ये तो 2 महीना हमने उसको किराए पर उठाया था, मैंने कहा एक दिन भी अगर आपने किराए पर उठा दिया तो ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। क्या है ये? अब आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, एलो प्रॉपर्टी। हाँ, मैं बस वहीं पहुंचने वाला था जी, बहुत सही जगह गए हैं आप। अगर मेरे पास केवल एक घर है, केवल एक घर है, और उस घर को मैंने एक दिन के लिए भी किराए पर उठा दिया, या उससे मैंने कोई मॉनिटरी बेनिफिट ले लिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो घर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड तो मान ही नहीं सकता, वो आपको अब लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट करनी है। अब मेरी बात समझ में आई? यानी कि अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी से 1 रुपए भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अर्न कर लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट प्रॉपर्टी की ही कैटेगरी में रखेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड या डीम्ड भी नहीं मान सकते, ना सेल्फ ऑक्यूपाइड ना डीम्ड, दिस इज एक्चुअल लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है ना? चलिए अब मैं वापस आता हूं। ये आपका एक घर है, ये घर है, ये घर का मेन गेट है। अब इस घर से कोई एंट्री करता है, या तो इस घर में जाता है या तो इस घर में जाता है। ये घर का यूनिट नंबर 1, ये घर का यूनिट नंबर 2, ये भी 2 BHK है और ये भी 2 BHK है, पक्की बात है। अब इसमें मैं 12 महीने तक सेल्फ रहा और इसमें मैंने 12 महीने तक लेट आउट किया, किराए पर दिया, बताओ इसको एक घर पूरे को माना जाएगा या दो घर माना जाएगा? पक्का? कसम से आगे बदलोगे तो नहीं अपनी बात? पक्का ना? चलो हम भी देखते हैं कौन कौन अपनी बात पलटता है। चलो भाई इसी में ही आते हैं, नहीं सामने लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। अच्छा ये बताओ, ये मेन गेट है, यहां से एंट्री किया, इधर गए, इधर गए, हम कभी 12 महीने तक
10 महीने मैं इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह रहा, ठीक है, चलो 12 महीने तक मैं इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, और यहां क्या बनता? ताला बनता। अब बताओ ये एक घर माने या दो घर माने? हाँ? अभी तो कह रहे थे दो मानेंगे, फिर एक कैसे हो गया? हाँ सेम है, क्वेश्चन इज सेम, यूनिट 1 यूनिट 2, ये 2 BHK, ये भी 2 BHK, मतलब दो यूनिट मानेंगे या एक घर मानेंगे या दो घर मानेंगे? दो घर माने जाएंगे, यूनिट को मारू गोली, दो घर माने, जैसे पहले में दो घर माने गए थे, दूसरे। अच्छा कौन कहता है एक घर? कोई है ऐसा वीर जो वीर गति को प्राप्त हुआ? कौन है? अंबुज। चलिए कहानी खत्म नहीं हुई। बहुत विपदा है वैसे। अच्छा जी, ये समझ लेना। अच्छा अब बताओ, 10 महीने मैंने यहां सेल्फ ऑक्यूपाइड किया था और 2 महीना मैंने इसको लेट आउट किया था। 10 महीने मैंने इसको लेट आउट किया था और 2 महीना सेल्फ, यानी कि शुरू के 10 महीने मैं इस घर में था, बाद में कूद करके मैं इधर चला गया, और शुरू के 10 महीने किराएदार यहां थे, ये छोड़कर चले गए, नए किराएदार को मैंने इस घर में रखा। बताओ एक घर माने या दो घर माने? किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड आप लेना चाहेंगे? उड़ी बाबा, अभी तो मैंने बताया 1 रुपए का भी अगर आपने बेनिफिट उठा लिया तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो ही नहीं सकता। तो ना तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, ना तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, दोनों आपके लेट आउट में होंगे एक्चुअल में। तो पहले तो दिमाग में ये बात बैठा हो, इज इट क्लियर? चलो अगर मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर दूं, भाई मेरा घर, कभी मेरा घर में यहां मन किया 10 महीना इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे, 2 महीना इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे, ताला नहीं लगा है और किराए पर भी नहीं दिया, अब बताओ एक घर मानेंगे या दो घर? अब मैं बताता हूं आपको, ये माना जाएगा 1 हाउस, ये भी माना जाएगा 1 हाउस, ये माने जाएंगे 2 हाउस, या 1 हाउस विद 2 यूनिट्स। इसमें देखिए, पहली चीज तो ये दो प्रॉपर्टीज एक ही घर में दो है, एक 2 BHK 2 BHK, ठीक है, एक को मैंने लेट आउट कर रखा है, वो पोर्शन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल 2 BHK 2 BHK का सिस्टम पूरे एक घर की यूनिट से होती है, वो अलग है, इसके घर की यूनिट्स अलग है, दो घर मान लिए जाएंगे। अगर इस घर का, अगर इस कंप्लीट घर का, मेरी बात ढंग से समझेंगे, फेयर रेंट 4 लाख रुपए है और दोनों 50-50 है, तो इसका फेयर रेंट 2 लाख हो जाएगा, इसका फेयर रेंट 2 लाख होगा। अगर स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख है तो इसका स्टैंडर्ड रेंट 150 हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड रेंट 150। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। और अगर इसका म्यूनिसिपल वैल्यू 5 लाख है तो इसका हो जाएगा 2.5 लाख, बोलो ना कितना कितना, सही है ना? और अगर एक्चुअल रेंट 8 लाख है तो इसका कितना,
4 लाख, अरे इंसान एक्चुअल रेंट केवल यही देगा ना, हम कहां से अपने आप को देंगे, वो पूरा 8 लाख यहाँ जाएगा, इसको भी क्यों बांट रहे हो भाई, किराया तो उतना ही पोर्शन का आया होगा ना आधे का। हाँ तो इसको मत बांट लेना, हम जान रहे थे सुर लय ताल में सब बराबर हो जाता है। हाँ चलो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला तो समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से, सर इधर आपने क्यों, हम गवर्नमेंट को क्यों बताएंगे भाई वो यूनिट अलग है, हम गवर्नमेंट को कहेंगे भाई अब हमने ना ये ताला अपने लिए ये बीच में से दरवाजा निकाल दिया है, अब हम यहाँ से यहाँ दौड़ते हैं यहाँ से दहाँ दौड़ते हैं, क्या दिक्कत है, ये एक घर है मेरे लिए, 2 यूनिट सही तो क्या दिक्कत है, मैं अपने घर में किसी भी कमरे में रहूँ, आप मेरे घर में कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं भाई, मैं 10 कमरों का मेरा घर है, गवर्नमेंट हमको मना करने आएगी कि तुम 10 कमरों के घर में क्यों रहते हो, वो मेरे लिए एक घर है, यूनिट अलग है तो उससे क्या लेना देना, एक दूसरे से अटैच है घर, बात खत्म, मेरे को घर छोटा पड़ रहा था मैंने दोनों को मिला लिया, आपको क्या मतलब है, आप अपना काम करो, मेरे लिए तो एक ही घर है ना, बात समझ में आई। हाँ और इसी तरह यहां पर भी मैंने ताला लगा लिया, मेरे लिए पूरा यूनिट एक है, पूरा घर एक है, जरूरत पड़ती है ताला खोलते, मैं क्यों गवर्नमेंट को कहूंगा कब जरूरत पड़ती है ताला, ताला खोला रहता है भाई, हम लोग रहते हैं उसमें, दिक्कत क्या है आपको, अब समझ में आई बात। अगर यही चीज ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का होता तो सेम सिचुएशन होती, कोई सिचुएशन में चेंजेस नहीं आते, अगर यही ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होता तो भी सिचुएशन कैसी रहती, यही रहती, इज इट क्लियर। अब हमें लगता है इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं आने वाली। आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की बात करते, किसकी, क्या ये नोट करना है, नोट कर लीजिए, हाँ बोलिए बाबू, तो ये आप अपनी पर्सनल चीजें हम लोग को क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं, पहले तो ये अगर एक ही घर है, एक को ताला लगा रखा है तो कहाँ जाते, किराए पर रह रहे हैं आप, मतलब फिर से बोलिए बाबू, यस यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर आपने उस घर से साल में कोई भी बेनिफिट नहीं उठाया है, यू आर फ्री टू अवेल द बेनिफिट, एक चीज छूट, हाँ बोलिए, हाँ तो हम एक ही घर मानेंगे इसको, क्यों हम दो घर मानेंगे, ये नहीं अलग, अब मैं बता रहा हूं वही वहीं पर आ रहा हूं, मुझसे जो छूट गया, ये मान लो ये मेरा एक घर है और ये मिस्टर ए का घर है, ये मिस्टर बी का घर है और ये फिर से मिस्टर ए का घर है, यही सिचुएशन है ना आपके दिमाग में, इन दो घरों के आप हैं, ये अब आपका घर, इस पे लगा हुआ है ताला, तो आप दोनों को एक नहीं मान सकते, मजबूरी है क्योंकि दरवाजा कहां से निकाल पाएंगे आप, ये दो घर ही माने जाएंगे अलग-अलग, इज इट क्लियर। ये वाला ये आ रहे उस पर मत जाइए, मैंने कहा ना उसको फॉरगेट करें थोड़ी देर के लिए, उस लाइन को भूल करके बाकी बात कर लेते हैं, फिर उस लाइन पर आ रहे, ठीक है चले, यानी ये अब दो दो घर माने जाएंगे, ये दो अलग अलग सेपरेट ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि बीच में दूसरे का घर आ गया। अब आप ये नहीं कह सकते दोनों सटे हुए हैं या एक ही घर का हिस्सा है, मजबूरी है दो घर कहे जाए। अच्छा अब बात करते हैं, जैसे आपने कहा सर ये आपने एजम्पशन एक लिया है, नाउ एजम्पशन सॉरी देयर इज एन अमेंडमेंट कि नाउ यू कैन अवेल द सेम बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नॉट ओनली फॉर द सिंगल हाउस, फॉर टू हाउसेस यू कैन गेट द सेम थिंग। आप इस सिस्टम का फायदा दो घरों के लिए ले सकते हैं। तो अब आप ले ले दो घर और एक तीसरा है वैकेंट, हो सकता है ठीक है। अब एक के बदले न लेकर ये दो घर का बेनिफिट लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, बशर्ते आपने उससे एक रुपए का भी बेनिफिट मॉनिटरी बेनिफिट अर्न न किया। दैट्स इट, सो सिंपल। हाँ तो रहने दो, दो घर का बेनिफिट वो ले सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, बशर्ते उसने एक रुपए का भी बेनिफिट अर्न न किया। हाँ निगेटिव बिल्कुल आएगा, आएगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मेरे हिसाब से अब डाउट्स नहीं है, अब यहां पर आते हैं। अगर ये लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, यानी सेक्शन 24B, इसके बाद ज्यादा कुछ बचना नहीं है इस चैप्टर में। सेक्शन 24B क्या कहता है जरा ढंग से सुने। ये कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हम कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है लेकिन पूरा टाइम लेने वाला है। इंटरेस्ट ऑन लोन या तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में होगा, या तो लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में होगा, हाँ या ना। तो अगर लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में है तो 100% इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। अच्छा अगर हम बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तो इसके लिए कहता है 30,000 और ₹2,00,000। सर ये 30,000 और 2,00,000 कब आएगा? चलिए मैक्सिमम कंडीशंस, नंबर वन पहला लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। लोन अगर आपने लिया है 1 अप्रैल 99 या उसके बाद, दूसरा लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन पर्पसेस। आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर बाय करने के लिए, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने लोन लिया है रिपेयर के लिए तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम? 2,00,000 का, हाँ 2,00,000 का डिडक्शन तो तब मिलेगा जब आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 99 या उसके बाद। अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 99 के पहले तब बताइए कितना डिडक्शन मिलेगा? 30,000। अगर 1 अप्रैल 99 या उसके बाद लिया है तो 2,00,000। लेकिन एक कंडीशन और है कि आपने लोन कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया है, अगर आपने लोन लिया है रिपेयर के लिए तो बताएं कितने का डिडक्शन मिलेगा? सर 30,000 का, हाँ या ना। कितने का डिडक्शन मिलेगा? 30,000 का। थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन
मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन और इन विच लोन वॉज टेकन. जिस साल आपने लोन लिया है, आपने लोन लिया 2010-11 में, तो इस साल को खत्म होने के बाद 5 साल और ऐड कर ले, यानी आप इसमें 5 ईयर ऐड कर ले तो 2015-16 तक आपका मकान कंप्लीट हो जाना चाहिए. बात समझ में आई? मैंने अगस्त 16 में लोन लिया. कब लिया लोन? कब लिया? अगस्त 16 में. साल कब खत्म होगा इसका? सर मार्च 17 में. इसमें 5 साल और ऐड कर ले तो आपका मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 मार्च 2022. गॉट इट और नॉट? बस इतना ही याद रखना था इसमें. ये 3 कंडीशन है जब आपको 2 लाख की बेनिफिट मिलती है. इफ ऑल कंडीशंस आर नॉट मेट, देन मैक्सिमम लिमिट इज 30,000. हाँ बोलिए बाबू. हाँ समझ में आई बात? अच्छा जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़े. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. और कुछ आगे चले? चलिए अब आपके क्वेश्चन बैंक का समय आता है. मेरे पास जी ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी दी है? हमको निकालना है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो हमें मालूम है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाई. म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाई कितना आ जाएगा दोनों में से? सबको समझ में आया ना? 10,000. यानी अब हमारा FR1 हो गया 10,000. अब इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से. कितना है स्टैंडर्ड रेंट? विच एवर इज लोअर. तो दोनों बराबर है, आंसर इज 10,000. इज इट क्लियर? चलिए दूसरा घर है. म्यूनिसिपल वैल्यू है 12,000 और फेयर रेंट है 16,000. दोनों में से जो अधिक हो क्या आ जाएगा? 16. और हमारा स्टैंडर्ड रेंट है 14. तो आंसर कितना आ जाएगा? 14,000. बिल्कुल, जो दोनों में से कम होगा. हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू है 12,000 और फेयर रेंट है 16,000. तो क्या आ जाएगा दोनों में से जो हाई होगा? अब अगर ये अप्लीकेबल होता ही नहीं स्टैंडर्ड रेंट, तो किनारे जा बेटा, यही आंसर हो जाएगा 16,000. हाँ या ना? अच्छा, म्यूनिसिपल वैल्यू 18,000, फेयर रेंट 10,000, 18,000 और 18,000 का कंपैरिजन करेंगे 8,000 से, तो आंसर आ जाएगा विच एवर इज लोअर. स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो नहीं सकता. म्यूनिसिपल वैल्यू है 16-17, जो दोनों में से अधिक हो 17, और 20 जो दोनों में से कम हो. आ गया आंसर. कोई दिक्कत आई क्या फर्स्ट क्वेश्चन में? 2 पर चले. हाँ, बिल्कुल सही बात. यहां पूरे क्वेश्चन में हमें एक्चुअल रेंट नहीं दिया है. वर्ड क्या लिखा है यहां? हाँ जी,
तो हमें तो एक्सपेक्टेड रेंट पर ही देना पड़ेगा ना टैक्स, क्यों? चलिए क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। जीएवी निकालने के लिए बोला है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है और फेयर रेंट कितना है, किसको किसको ले ले आंसर दोनों में से। अब 120 का कंपैरिजन किससे करेंगे, दोनों दोनों में से जो कम हो कितना आ गया आंसर, अच्छा 120। अब 120 का कंपैरिजन किससे करेंगे, तो कौन सा अधिक है, फेयर रेंट अधिक है या एक्चुअल रेंट अधिक है? हाँ तो आंसर कितना आ जाएगा, आ गया आंसर। आगे चले चले आगे, म्यूट कर ले बाबू, म्यूट कर ले। अच्छा कहता है म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है और फेयर रेंट कितना है, दोनों में से अधिक कौन है, अच्छा स्टैंडर्ड रेंट कितना है, दोनों में से जो कम हो। तो हमने 100 ले लिया, 100 का कंपैरिजन 110 से करेंगे। अरे एक्चुअल रेंट अधिक आएगा तो हमेशा वही तो आंसर रहेगा, एक्चुअल रेंट अधिक है तो हमेशा वही आंसर होगा 110। आ तो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए मैंने कहा 140 135, जो दोनों में से अधिक हो कितना, 140 और 135 जो दोनों में से कम हो आंसर कितना, अच्छा 135 और 135, अरे दोनों बराबर है तो आंसर 135। बोलते क्यों नहीं, अच्छा 150 और 155 दोनों में से आंसर क्या आ जाएगा, 155 और 180 जो दोनों में से कम होगा 155, 155 और 175, उड़ी बाबा एक्चुअल रेंट अधिक है, सोचना छोड़ दे, बोलो ना। किसी को दिक्कत हो रही है तुरंत पूछेंगे, हम दोबारा बताने को तैयार हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ दिक्कत आएगी, बिल्कुल प्लेन प्लेन फॉर्मूला बेस्ड है। 160 और 175 जो दोनों में से अधिक हो, 175 और 165 जो दोनों में से कम हो, अच्छा 165 और 200, उड़ी बाबा 200 अधिक है, 180 और 168, 180 और 144, 144 और 100, उड़ी बाबा ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। 10 महीने तक किराए पर उठा था, 2 महीने पर किराए पर नहीं उठा था, यानी 2 महीना वैकेंट था। अगर ये 2 महीना वैकेंट नहीं होता तो ये मेरा 1,25,000 हो गया होता, नहीं कितना होता, 1,20,000 होता, कितना होता, यही तो होता। यानी उसमें 2 महीने के प्रोविजन को ऐड करने के बाद भी कोई फर्क, 144 अभी भी अधिक है। गवर्नमेंट कहती भाई अब इतने पर तो कम से कम लेंगे, इसका मतलब तू पहले भी चट्टाई करता था, पहले भी चोरी करता था, तेरी चोरी पकड़ी गई, 120 ही आ रहा है तेरा एक्चुअल रेंट, भैया हमको 144 पर टैक्स दे दो। कितने पर, क्यों इधर आपने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, ठीक है अभी रहने देते हैं, ये ठीक है आपको समझ में आया। असल में यहां क्या लिखा है, लेट आउट पीरियड नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, सॉरी पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। हम यहां पर थोड़ी देर के लिए, अभी चूंकि आपको नहीं समझाए हैं, हम यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ मंथ्स टू लेट आउट, ठीक है ना, हम ये ले लेते हैं, तब आपका आंसर आ जाएगा जो आपका आया था 144। इज इट क्लियर? ये क्या बोल रहा है, ये क्या लाइन क्या लिखी है, आखिर पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर इसका क्या मतलब है? एक बात बताओ, ये मेरा पहला पहला साल है जब मैं कोई एक मकान खरीद रहा हूं, सच सच बताना क्या मैं हमेशा 1 अप्रैल को मकान खरीदूंगा?
क्या मैं 15 मई को मकान नहीं खरीद सकता? क्या मैं 31 अक्टूबर को मकान नहीं खरीद सकता? क्या मैं 31 दिसंबर? अरे भाई, साल में आप कभी भी वो कोई मकान खरीद सकते हैं या कोई मकान बेच सकते हैं, हाँ या ना? तो जब आप किसी मकान को खरीदते हैं या कभी मकान को बेचते हैं, तो इस खरीदने वाले साल में और बेचने वाले साल में आप सारे के सारे वैल्यूज जो ईयर के दिए हैं, इनको हम 10 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? पक्की बात है? हाँ, तो 180 को जरा 10 मंथ्स में कन्वर्ट करके बताओ कितना आ जाएगा यहाँ का आंसर। 180 अगर 12 मंथ्स का है तो 10 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 150 आएगा। हाँ, 168 अगर 12 मंथ्स का है तो 10 मंथ्स का कितना होगा? और 144 अगर 12 मंथ्स का है तो 10 मंथ्स का कितना होगा? और अगर 110 मंथ्स का है तो 10 मंथ्स का 100 ही होगा, हाँ या ना? एक्चुअल रेंट तो 10 ही मंथ्स का है ना, तो उसको नहीं बांटेंगे, वो 10 मंथ्स का ही है। ठीक है सर, अब बताइए इन दोनों में से अधिक कौन, और 150 और 120 में से लोअर कौन, और 120 और 100 में सरकार को कम से कम कितने पर टैक्स चाहिए? तो अब समझ में आई बात? इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो बस ये कन्वर्जन केवल उस समय पॉसिबल है जब यहां पर लिखा हो पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर इन मंथ्स। तो हमें क्लियरली क्वेश्चन में दिया है कि प्रीवियस ईयर उस घर के लिए प्रीवियस ईयर में कितने मंथ माने जाएंगे। इसका मतलब ये इस घर का पहला पहला साल है, या इस साल 10 महीने बाद घर को बेच दिया गया है। अब मेरी बात समझ में आई? इसीलिए हम 12 मंथ्स की पीरियड को सबको 10 महीने में कन्वर्ट किए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अरे बोल लो ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट द जीएबी, ठीक है, लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर कंप्लीट है। म्यूनिसिपल एनुअल वैल्यू, एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 90, और फेयर रेंट है 300। कितने को लेंगे, 300 या 90? 300। और स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 50। दोनों में से जो कमती होगा, कितना कमती आ जाएगा? 50 और 120 स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट है। अरे भैया, सोचना छोड़ दो, सोचना। हाँ, 120, लेकिन नीचे लिखा हुआ है दो महीने का। तो 2 महीने का कितना अनरियलाइज रेंट अगर हटा दे तो? अब आए ना लाइन पे कि सर रूल 4 पूरा हुआ या नहीं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस व्हिच आर गिवन इन रूल 4, नाउ वी हैव टू एज्यूम दैट ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड बिकॉज द वर्ड इज क्लियरली गिवन टू यू अनरियलाइज्ड रेंट, अदरवाइज ये वर्ड यूज ही नहीं कर सकता ये। इज इट क्लियर? तो हम यहां 50 और 100 में किसको ले लेंगे आंसर? 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा, आते हैं दूसरे पर। कहता है 500 और 300, जो दोनों में से अधिक हो बताओ ना जल्दी से। अच्छा, 500 और 800, जो दोनों में से कमती हो। 500, 500। अच्छा, नीचे आते हैं 600 अगर 12 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स का निकालो बताओ, माइनस करके बताओ। 450, ओके। तो 500 और 450, जो दोनों में से 500 अधिक है, 500 अधिक है, गवर्नमेंट को कम से कम उतना तो चाहिए ना पैसा, तो 500 इज योर आंसर। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, 30 और 300 में कौन अधिक है? 300 एंड 240 दोनों में कम क्या है? अच्छा, 240 और 165,
240 और 165 में गवर्नमेंट किस पर टैक्स लेना पसंद करेगी? समझ में आई बात? अच्छा, 100 और 300 में किसको काट डाले? 100 को काटना है ना। अच्छा, 300 और 250 में किसको काटे? अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ अच्छा, अब आंसर आया 250। 250, अच्छा ये आ जाएगा 2 2 2 70। देखिए कितना आ रहा है। हाँ अच्छा, 250 और 270 में गवर्नमेंट तो कहेगी ना, एक्चुअल अगर अधिक है तो दे दो, बोलो ना। अच्छा लास्ट, हाँ बोलिए बाबू। 315 और 300 में किसको काट डाले? 300 और 500 में से, 315 और 500। अच्छा अरे वाह, अरे वाह। अच्छा ये बताओ कितना आ जाएगा? 25। हाँ 125। तो 315 पे टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को या 125 पर, किस पे चाहिए? बस आ गया आंसर, तुम लोग तेज आते हो। चल सकते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करें। अच्छा समझ में तो आ रहा होगा, अब हमें नहीं लगता कि किसी प्रॉपर्टी में तुम लोग को जीएबी तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक क्वेश्चन और है, उसमें शायद जीएबी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग के डन हो गए। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं जीएबी के, जितने बना सकता है कोई टीचर, वो सारे हो गए। अच्छा 200 और 300 किसको काटनी है? अच्छा दोनों में से जो अधिक हो, कौन सा अधिक है? 300 300 किसको ले लें, दोनों बराबर है तो 300। अच्छा कहता है एक्चुअल रेंट इतना है लेकिन प्रॉपर्टी वैकेंट रही 1 महीना। वैकेंट नहीं, अनरियलाइज रेंट नहीं है कि डिवाइड कर रहे हो। कैलकुलेटर मत तो यूज करो, हर जगह कैलकुलेटर नहीं यूज होगा। दिस इज द केस ऑफ वैकेंसी, और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन वैकेंसी नहीं था, वो अनरियलाइज रेंट था। दोनों को समझो पहले, तो वहां डिवाइड कर रहे थे ठीक है, हर जगह कैलकुलेटर मत लगाओ। इधर देखो, प्रॉपर्टी रिमाइन वैकेंट। रिमाइन वैकेंट का मतलब हुआ, पहले तो सोचना भूल जाओ, ये 11 महीने का है ये हमें मालूम है, ठीक है ना। एक्चुअल में हमें रेंट मिला 11 महीने का, एक्चुअल में वी गॉट द रेंट ऑफ 11 मंथ्स। बट एवन दो इट इज ऑफ 11 मंथ्स, बट इट इज हायर देन द ऑल द अदर रेंट, यस और नो? पक्का ना? तो कितना आंसर आ जाएगा? 600। सोचना मना है, कितना आंसर आ जाएगा? 600। इसने क्या लिखा है? वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, पहली चीज तो दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। योर आंसर इज 600। अच्छा दूसरे पर आते हैं, 300 और 600 जो दोनों में से अधिक हो किसको ले लें? 600 180 जो दोनों में से कम हो। अच्छा तो 180 को ले लिया। 180 और 900, सुने 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 सुने, एक्चुअल रेंट 12 महीने का है। अच्छा सुन लो, ये पहली चीज सुन लो सुन लो सुन लो, ये यहां दिया एक्चुअल रेंट पर एनम, कौन सा वर्ड यूज किया है? दिया है ना, तो इसका मतलब एक्चुअल में हमें रेंट कितना मिला होगा? 11 मंथ, सॉरी 5.5 से एक्चुअल रेंट 550 ही आएगा, ठीक है। ये अगर हटा देते हैं, काट देते हैं, तब तो मेरा वाला आंसर सही था, लेकिन यहाँ पर एनम वर्ड यूज किया गया है, तो 550। अब बताओ 300 और 550 में किस पर टैक्स लगेगा? 550 आ गया, मैच कर रहा है, ठीक है, गलत नहीं है, मैच कर रहा है। अच्छा अब वापस आते हैं, 900 अगर साल भर का है, एक्चुअल रेंट जो चीज मिली नहीं भाई, इन्होंने हमें केवल फंसाने के लिए दे रखा है एक्चुअल रेंट पर एनम, जबकि अगर केवल एक्चुअल रेंट लिखा होता तो ऑटोमेटिकली वो 11 महीने का ही माना जाता। अगर यहां केवल लिखा होता एक्चुअल रेंट, तो हम कितने महीने का मानते इसको? 11 मंथ्स का। और इस केस में कितने महीने का मानते? 9 मंथ्स का। इस केस में कितने मंथ का मानते? 10 मंथ्स का। लेकिन जब दे दिया पर मंथ, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल रेंट अगर साल भर आपको मिलता तो आपको मिलता 600, 1 महीने का एक्चुअल में मिला ही नहीं, तो आपके हाथ में एक्चुअल रेंट आया 550, यस और नो? हाँ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो वर्ड का
सिस्टम था। चलिए वापस आते हैं, 300 और 600 जो दोनों में से अधिक हो, 600 600 एंड 180 जो दोनों में से कम हो, जो दोनों में से कम हो 180। अच्छा 900 में 12 महीने का है तो 9 महीने का बताओ कितने का होगा, 675। तो अब 180 और 675 जो दोनों में से अधिक हो क्या आंसर आ जाएगा, पक्का ना? हाँ भाई आएगा 675, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो आते हैं करते एक्चुअल म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में से हाई होगा वो हो जाएगा फेयर रेंट नंबर वन। फिर फेयर रेंट नंबर वन का कंपैरिजन करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से, जो दोनों में से लो होगा वो हो जाएगा फेयर रेंट नंबर टू। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे फेयर रेंट नंबर टू का एक्चुअल रेंट से, अगर एक्चुअल रेंट अधिक है फेयर रेंट नंबर टू से तो एक्चुअल रेंट, अगर एक्चुअल रेंट लोअर है फेयर रेंट नंबर टू से और अगर ये ड्यू टू वैकेंसी है तो, ठीक है अदर केस। अब आप आंसर इसी पे ही रखते जाएंगे, ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है ना। चलो केस नंबर टू की बात करते हैं, ये वाला 300 हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू है, कितना है म्यूनिसिपल वैल्यू 300, 300 म्यूनिसिपल वैल्यू है और 600 हमारा फेयर रेंट है, तो इधर रख ले 300 म्यूनिसिपल वैल्यू और 600 हमारा फेयर रेंट, दोनों में से जो अधिक हो क्या है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कहता है 180 हमारा स्टैंडर्ड रेंट है, आ जाओ तो 600 ये स्टैंडर्ड रेंट 180, जो दोनों में से कम हो क्या आंसर आ जाएगा। अब 180 या एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट का मतलब वो अमाउंट जो हमें एक्चुअल में मिला। अच्छा 900 मिलना चाहिए था 12 महीने में, पर एनम दिया है 12 महीने में मिलना चाहिए था जिसमें 3 महीना वैकेंट था, यानी मिलना कितना चाहिए था 675। अरे बोलो ना, हाँ या ना? अब बताओ एक्चुअल रेंट अधिक है ना, तो सोचना मना है, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत है क्या? चले आगे, हाँ लास्ट है बाबू चिंता नहीं है। अच्छा 400 और 750 वापस रखते हैं यहाँ पे, 400 750 दोनों में से जो ज्यादा हो कितना आ गया 750। अच्छा जी 400 और 750 या 280 से कंपैरिजन करें तो 750 या 280 किसको ले लें, 280 ले लें, बहुत बढ़िया। अब 280 का कंपैरिजन एक्चुअल रेंट से करेंगे, एक्चुअल रेंट कितना है सर, सर 300 है 12 महीने का, 2 महीना वैकेंट है 10 महीने का लेंगे, तो 12 महीने में 300 तो 10 महीने का 275 कि 250 आ रहा है, तो 10 महीने का एक्चुअल में तो 250 ही आया, तो बताओ कौन अधिक है सर इस केस में, आ गया 280 अधिक है, 280 और 250। अब बताओ सुन ले, पहले सुन ले, अगर अगर वो 2 महीना किराया मिल गया होता जो वैकेंट था तो ये कितना होता, पक्की बात है ना, ये कितना होता, अगर ये वैकेंट नहीं होता तो कितना होता 300, तो आपका आंसर क्या आता 300, तो गवर्नमेंट से आपने मनवा लिया, उसके बाद गवर्नमेंट से कहा अब ले लो टैक्स हमसे 250 पर एक्चुअल पर, बात समझ में आई, केवल कैलकुलेशन के पर्पस से हमने ये 50 ऐड किया कि अगर 10 महीने का किराया 250 है, 12 महीने का 280 है, ये कितने महीने का है सर, ये 12 महीने का है, और ये कितने महीने का है सर, ये 10 महीने का है, कहीं से जस्टिस है,
हमने गवर्नमेंट को प्रूफ किया भाई ये भी अगर 12 महीने का होता ना तो हमारा आज की डेट में ये 300 होता, क्योंकि हम तो 10 महीने के बराबर पर आपको टैक्स दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो लगा दो 250 पर टैक्स। गवर्नमेंट भी मान गई, बात समझ में आई। देखिए 250, अब हाँ 10 मंथ्स ही करें, केवल 12 मंथ्स कन्वर्ट करते हैं कैलकुलेशन पर्पस से, कंपैरिजन पर्पस के लिए, अदरवाइज योर आंसर वुड बी द एक्चुअल रेंट ऑफ 10 मंथ्स। इज इट क्लियर? अच्छा 500 और 180 दोनों में से किसको लेंगे? सर 500 500 और 225 जो दोनों में से कम हो, सर 225 कम है ले लीजिए, 225 और ये 240 में से 1 मंथ हटा दो तो 220, तो आप कहेंगे सर 220 आंसर नहीं होगा 225। अरे नहीं, अगर ये पूरा 12 महीने का किराया मिल गया होता तो कितना आंसर आता है? 240। तो आप कहते हैं सरकार को देखो हम तो तुम्हें टैक्स देने को तैयार थे 240, ये तो एक महीने का हमारा मकान खाली हो गया इसलिए हमारे हाथ में कितना आया? 220 आया। तो गवर्नमेंट को हम कहेंगे 220 पर टैक्स ले लो हमसे। अब बात समझ में आई, अब दिक्कत नहीं आएगी, अब खत्म है, खत्म है, फालतू का है आगे कहानी। तो अंतर समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका वो अनरियलाइज्ड रेंट के बेसिस पर था, क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपका वैकेंसी के बेसिस पर था। इज इट क्लियर? अच्छा फिर से समझा दे। हाँ आपको एक्चुअल में किराया मिला कितना? सर 220 ही मिला, क्योंकि 240 तो साल भर का था, एक महीने का मिला नहीं, तो हाथ में आया कितना? 220। बोलो अब शुरू से देखते हैं, 500 और 180 में किसको हटा दे? सर 500 को बेस ले लीजिए, 500 और 225 में दोनों में कम कौन सा है? 225। 225 और एक्चुअल रेंट आपका 220 है। एक्चुअल रेंट कम है, एक्चुअल रेंट क्या वैकेंसी के कारण कम है? आपने कहा हाँ अगर ये वैकेंट नहीं होता तो मेरा किराया कितना होता एक्चुअल में? 240 होता, जो कि ज्यादा होता सबसे। तो सरकार तो हमसे 240 पर टैक्स लेती, सरकार ने कहा हाँ तो एक काम करो हमसे फिर एक्चुअल रेंट पर ही टैक्स ले लो। इज इट क्लियर? बस इतना ही समझना था बाबू। एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे और इस चार्ट पर रखकर करेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा इस चार्ट पर रखेंगे तो, मैं अगर इस पर कराता तो शायद आधी क्लास फिर नेक्स्ट क्लास की भी चली जाती, ठीक है ना? और ये क्योंकि छोटे, अगर आपको दिक्कत होगी आप पूछेंगे तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में एक क्वेश्चन फिर से करा देंगे, उसकी दिक्कत नहीं, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, इस चार्ट में भर करके आपको करना है बस। हाँ बोलिए बोलिए। मेरे पास 2 घर हैं, दोनों घर मैं सेल्फ पर्पस के लिए यूज करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक घर खाली भी है ताला भी बंद है तो भी मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए गवर्नमेंट को हम टैक्स नहीं देंगे, लेट आउट क्यों मानेंगे भाई? गवर्नमेंट ने अब आपको 2 घर की बेनिफिट दी है कि दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए निल 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 करते जाओ, तो निल दे दो। बात समझ में आई? मैं समझा नहीं बाबू, फिर से बोलूं, अगर एक दिन के लिए भी किराए पर उठ गया तो वो एक्चुअल लेट आउट है। अगर आपके पास 3 मकान है तो 2 मकानों का घर आप सेल्फ आ रहे, वही बता रहे, 3 घर है, 2 घर तीनों घरों पे ताला बंद है, 1 घर में रहते हैं, 2 पर ताला बंद है, तो 2 घरों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले और 1 घर को डीम्ड लेट आउट मानना पड़ेगा। तो इन 3 घरों में से किसी 1 घर को खुद चुन ले कि किस घर का टैक्स सबसे कम बनेगा, वो हम गवर्नमेंट को कहेंगे ये डीम्ड लेट आउट है। इस साल हो सकता है घर नंबर ए हमने डीम्ड लेट आउट माना, अगले साल हो सकता है घर नंबर बी को हम डीम्ड लेट आउट माने, दैट इज अप टू अस, यस और नो। तो हर साल आप बदल सकते हो घर को भी, ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ 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 सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हैं,
अगले साल को, इस साल सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हो सकता है अगले साल लेट आउट हो जाए, इस साल लेट आउट है अगले साल हो सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, इस साल सेल्फ ऑक्यूपाइड है हो सकता है अगले साल डीम्ड लेट आउट, वो आपके ऊपर है, हर साल ये चेंज हो सकता है। ठीक है, टाटा बोले, थैंक यू गुड नाइट बच्चों।